नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। विरार के खानीवाड़े तानसा नदी में डूबने से 3 किन्नरों की हुई मौत, डेड बॉडी की खोजबीन जारी। इस समय की एक बड़ी खबर विरार के खानीवाड़े क्षेत्र की, जहां तानसा नदी में 3 किन्नरों के डूबने की जानकारी सामने आई है और इस हादसे में 3 किन्नरों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक किसी की भी डेड बॉडी बरामद नहीं हो पाई है, डेड बॉडी की खोजबीन जारी है। मिली जानकारी के अनुसार कल बड़ी अमावस की रात की पूजा के बाद अपनी प्रथा के अनुसार किन्नरों का एक समूह तानसा नदी में आज सुबह 10 से 11 के बीच में नहाने गया था। पानी की गहराई एवं बहाव का अंदाजा नहीं होने से 3 किन्नर पानी में डूब गए। घटना की जानकारी मिलने पर वसई विरार मनपा अग्निशमन दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर लाशों की खोजबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। अच्छा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ बता सकते हैं? कल अमावस्या पूजा के लिए हम लोग पूजा करवाई करते हैं। पूजा होने के बाद में इधर नहाने के लिए आज सुबह आई थी, 6 जन नहाने के लिए आई। बाद में वो लोग पानी बढ़ने लगा था, थोड़ा नहा लिया, आने के लिए सोच रही थी, लेकिन उसमें थोड़ा पानी भर के 3 जन अंदर जा रहे हैं। बाकी 3 जनों को हाथ पकड़ा था, एक उसमें सब खींच खींच के 3 जन ऊपर आ गई, बाकी 3 जन अंदर गई, डूब गए। हमको 11 बजे पता चल गया, हम लोग आया था तब से जाके मांडवी चौकी पे हम लोग कंप्लेंट दिया था, वहाँ से पुलिस वाला आके हमको बिछा रहे। बस दुर्गा पूजा के बाद में नहाने के लिए आप आए थे? अमावस्या के बाद, कल बड़ी अमावस्या का दिन है ना, इसलिए अमावस्या का पूजा होता है हमारा, वो होने के बाद सुबह आके नहाते। अच्छा, 3 लोग गए। हाँ। 3 लोगों को मतलब बचाया गया कि तीनों? नहीं, वो ऐसा ही ऊपर आ गई, वो लोग भी जाने वाली थी लेकिन ऐसा तैर के ऊपर आ गई वो 3 लोग, बाकी 3 लोग गए। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।